तो 2023 स्टार्ट हो गया है और इस साल की हमारी पहली वीडियो है और आज हम देखने वाले हैं चूचू चार्ल्स की रियल स्टोरी। इसको इस साल की पहली वीडियो यही मिली थी, कब से देख रहा हूँ 3-4 दिन से। चूचू 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 क्या लगा क्या रखा है भाई? चूचू 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 अभी क्या करें यार, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं भाई, तुम समझो यार। ठीक है दोस्तों, आप फटाफट वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अभी चूचू चार्ल्स की रियल स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी है एक आइलैंड की, जहाँ पर रहता है हमारा चूचू चार्ल्स और ये आधा ट्रेन है एंड आधा मॉन्स्टर, और ये लोगों के खून का प्यासा है। यार ये ऐसा क्यों है, कैसे है और किसने इसको ऐसा बनाया, ये सारे सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में नहीं मिलेंगे। मजाक कर रहा हूँ यार, मतलब मिलेंगे यार। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक फोटो है और ये है हमारे वॉरेन चार्ल्स। इन्होंने एक कंपनी खोली है इस आइलैंड के ऊपर। ये लोग यहाँ पर माइनिंग कर रहे हैं और बहुत ज्यादा अमीर होना चाहते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है यार, किसको प्रॉब्लम है? दिक्कत है भाई, प्रॉब्लम है क्योंकि इस आइलैंड पे एक भूतिया साया रहता है, या आप उसको दानव बोल सकते हो। यार गांव वालों का मानना है कि ये साया एक इंजन के अंदर घुस गया और ये स्पाइडर ट्रेन बन गया हमारा चूचू चार्ल्स, और ये लोगों को मार रहा है और उसका खून पी रहा है यार। मगर ये बात जब मिस्टर वॉरेन को पता चली तो ये बहुत ज्यादा दुखी हो गए, क्योंकि यार उनको माइनिंग करके बहुत ज्यादा अमीर होना था यार। और इसका सारा प्लान चौपट होने वाला था, तभी उनको एक प्लान सूझा। या ये जो कमने वाले है ना भाई, सारे के सारे, उन्होंने क्या किया कि चूचू चार्ल्स को पूजना स्टार्ट कर दिया। या हम इसकी पूजा करेंगे और चूचू चार्ल्स हमारे को मारेंगे नहीं। तो क्या काम, जो वॉरेन चार्ल्स के साथीदार चूचू चार्ल्स की पूजा करके बच गए? ना यार, ये लंबा टाइम चला नहीं यार। जब चूचू चार्ल्स को कोई खाना नहीं मिला पूरे के पूरे आइलैंड पे, तो उसने भाई वॉरेन चार्ल्स के साथीदारों को ही खाना चालू कर दिया। उसके पास कोई उपाय नहीं था यार, वो भगवान नहीं था भाई, शैतान था यार। कोई भी उसकी पूजा करे, बट भाई लास्ट में तो उसका खाना बनेगा ही बनेगा। ओके ठीक है, ये तो भाई पूरा का पूरा स्टोरी था। और हाँ यार, इस चूचू चार्ल्स का नाम चूचू चार्ल्स कैसे पड़ा? कांजो तेरे को ये भी पता है यार कि चूचू चार्ल्स का नाम चूचू चार्ल्स क्यों पड़ा? ये बच्चों वाला सवाल है भाई, इसने ट्रेलर देखा ही नहीं। आप यहाँ पर देखो इस फोटो के अंदर, इस इंजन के ऊपर लिखा है चार्ल्स। या ये वॉरेन चार्ल्स का इंजन है भाई, बट बुरी आत्मा का साया इसके अंदर घुस गया है और इसीलिए भाई ये शैतान बन गया है। या इसलिए शायद इसका नाम चूचू चार्ल्स पड़ा होगा यार, मेरा ऐसा मानना है भाई। अभी आपका क्या मानना है मेरे को कमेंट करके बताना। ये तो मेरे को भी पता था यार, मेरे को लगा कुछ नया बताएगा। अब जो है मैंने वही बताया भाई, नया क्या बताऊं। चलो ठीक है, अभी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो पूरे के पूरे आइलैंड के ऊपर चूचू चार्ल्स का आतंक फैला हुआ था और इससे परेशान गाँव वाले। या एक चाचा था यार, यूजिन चाचा, जो कि हमारे को गेम की शुरुआत के अंदर दिखाई देता है यार, उसने हमारे को कॉल किया। यार जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसको कॉल करके बताया भाई, कैसे यार चूचू चार्ल्स ने पूरे के पूरे आइलैंड के ऊपर आतंक मचा रखा है यार, और कैसे गांव वालों का खून चूस रहा है यार। और ये सारी बात जब हमारे मेन कैरेक्टर ने सुनी तो वो राजी हो गया यार चूचू चार्ल्स को मारने के लिए। और फिर क्या था यार, हमारे यूजिन चाचा नाव लेके निकल पड़े हमारे मेन कैरेक्टर को ड्रॉप करने के लिए। उसके बाद क्या था, हमारे मेन कैरेक्टर को नाव के अंदर सारा कुछ बताया भाई कि चूचू चार्ल्स को मारना कैसे है यार, पूरा का पूरा प्लान बताया यार। जंगल के बीच एक हाउस है यार, जहाँ पर हमारे को इंजन मिलेगा और उसके अंदर एक वेपन पड़ा है यार, जिसकी मदद से हम चूचू चार्ल्स को सबक सिखा सकते हैं और उसको इस आइलैंड से भगा सकते हैं यार। और बस बहुत हुआ। तो ये सारी बात सुन के हमारा मेन कैरेक्टर यानी यूजिन चाचा भागते हुए गए, और सच में यार उस हाउस के अंदर से उसको ट्रेन भी मिली, वेपन भी था। पर जैसे यार ये ट्रेन लेके इस हाउस से बाहर आए कि अचानक यार चूचू चार्ल्स ने इसको देख लिया और उसने भाई अटैक कर दिया हमारे ऊपर, और भाई हमारे बीच एक घमासान युद्ध हो गया यार। यूजिन चाचा हमारे को भाई बता रहे थे कि उसको कैसे मारना है, पे अचानक यार हम गोली मार रहे थे चूचू चार्ल्स को कि अचानक यार गोली लग गई हमारे यूजिन चाचा को। उसके बाद क्या था यार, चाचा यहाँ से नीचे गिर गए, और फिर क्या था यार, चूचू चार्ल्स ने यूजिन चाचा का सारा खून चूस लिया यार। हम फटाफट उसके पास गए तो चाचा ने बताया कि आइलैंड में से तुम्हारे को अंडे मिलेंगे और मेरा बेटा भी मिलेगा यार, जो चूचू चार्ल्स को मारने में तुम्हारी मदद करेगा यार। और ये सारी बात सुन के हाँ, चाचा से भाई विदाई लेके हम अपनी खटारा ट्रेन लेके निकल पड़े। और उसके बाद क्या था भाई, गांव में हमारे को बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मिले, यूजिन चाचा के दोस्त थे और उसने हमारे बहुत मदद की, हमारे को बहुत सारा स्क्रैप दिया, जिसकी मदद से हमने अपने ट्रेन को मजबूत बनाया, अपने आर्मर को स्ट्रॉन्ग किया और अपने वेपन को भी अपडेट किया यार। और उसके बाद यूजिन चाचा ने जैसा बोला था कि हमारे को यहाँ पर अंडे फाइन करने हैं, वो अंडे भी हमने फाइन कर लिए थे यार। और गांव वालों का कहना था कि इस अंडे को यहाँ पर आइलैंड के बीचों बीच एक टेंपल है यार, जहाँ पर एक ट्रायंगल है जिसके अंदर हमारे को ये अंडे चिपकाने हैं। तो हमने ये सारी बात मानी, ट्रायंगल पे हमने वो अंडे भी चिपकाए, बट जैसे ही वो हम चिपकाने के लिए जा रहे थे कि अचानक मिस्टर वॉरेन चार्ल्स वहाँ पर आ गए। उन्होंने हमारे को रोका कि ये अंडे हमारे को वापस दे दो, बट मैंने नहीं दिए। कांजो दे देते यार, हमारा क्या जाता भला।
तू चुप रहे ना भाई। तो ठीक है, लास्ट वाला अंडा हमने जैसे ही ट्रायंगल पे चिपकाया तो वहां से एक एनर्जी वेव निकला भाई, ये खतरनाक एनर्जी वेव। और ये सब देख के वॉरेन और उसके साथीदार वहां से भाग निकले। भाई ये क्या गड़बड़ हो गई यार। और ये सब देख के हमारा चूचू चार्ल्स भी वहां पर आ गया यार, और ये सारी की सारी पावर उसने एब्जॉर्ब कर ली यार, और ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया यार, पहले से भी ज्यादा। इसका नाम चूचू चार्ल्स था तो अभी ये हील चार्ल्स बन गया था यार। और उसके बाद क्या था यार, हमने भी अपना ट्रेन अपग्रेड कर लिया था और लास्ट हमारी बॉस फाइट चालू हो गई यार। हमने बहुत ज्यादा उससे फाइट किया यार, बहुत ज्यादा फाइट किया यार। और लास्ट में यार एक पुल के ऊपर हमारा हील चार्ल्स आया और हमने पूरे के पूरे पुल को डिस्ट्रॉय कर दिया यार। उसके बाद क्या था, हमारा हील चार्ल्स वहां से नीचे गिर गया और उसका काम तमाम हो गया यार। बट रुको रुको भाई, गेम यहाँ पर खत्म नहीं होता है। ना 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 भाई, गेम इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा यार, क्योंकि लास्ट वाला सीन अभी बाकी है मेरे दोस्त। हाँ, मेरे को पता है कांजो, लास्ट में जो अंडा वाला है वही ना। हाँ वही यार। दोस्तों आप देख सकते हो यार, इस अंडे को, ये अंडा हिल रहा है, मतलब कि इसके अंदर से भी यार एक और चूचू चार्ल्स निकलेगा यार। बट इतना ही नहीं भाई, यहाँ पर और भी अंडे है, बहुत सारे लाखों करोड़ों अंडे है यार, मतलब कि यहाँ पर चूचू चार्ल्स की पूरी फौज आने वाली है यार चैप्टर 2 के अंदर, मेरे को तो ऐसा लग रहा है यार। दोस्तों आपको क्या लग रहा है यार, आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएं कि चैप्टर 2 के अंदर क्या होने वाला है। अगर आपको स्टोरी पता है तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ, और जो मैंने आपको स्टोरी बताई है उसके अंदर मैंने कुछ मिस कर दिया है या फिर मेरे को पता नहीं है, वो भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। तो चलो यार, ये वीडियो छोटी थी बट मेरे को बनानी थी, मैंने बना दी। और वैसे आपको कैसे लगी आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, अलविदा एंड बाय।